नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। बीजेपी सांसद और दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता के जरिए राहुल गांधी को भारत के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा साजिशों का पुलंदा बताया। बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव के परिणाम को विपक्ष ने गाल पर तमाचा बताया। इसके साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा को आज की जरूरत बताया और ये भी कहा कि आज व्यासपीठ को राजपीठ सुन रही है। वो दौर चला गया जब अंग्रेजों का डिवाइड एंड रूल चला करता था। बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि एकता की बात हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। देश में बहुत समय तक डिवाइड एंड रूल चलता रहा। ब्रिटिश शासन को जब हम पढ़ते हैं तब यही रूल उनके शासन की महत्वपूर्ण जरूरत थी, बांटो और राज करो। आज देश में अच्छी भावना आ रही है। देश में प्रधानमंत्री इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, और जब सबका साथ सबका विकास होगा तो एकता होगी, इसीलिए एक है तो सेफ है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ये सड़कें हैं, कनेक्टिविटी है, ये तो बहुत जरूरी है। आदमी सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से हो या गरीब परिवार से हो या जिस भी परिवार से हो, उसको दूरी जल्दी से जल्दी तय करने में उसका बहुत समय बचता है और ये सुविधाएं बढ़ रही हैं। नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद है। तो अच्छा चल रहा है। एकता की बात तो हमेशा से ही महत्वपूर्ण रही है। अब ये इस देश में बहुत समय तक डिवाइड एंड रूल चलता रहा। हम लोग जब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश शासन का जो हम पढ़ते हैं, तो हमको सबसे प्रमुख लाइन जो दिमाग में आता है उनकी रणनीति का, वो है, वो था डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। आज देश में एक भावना आ रही है, देश के प्रधानमंत्री जी भी इस बात पे जोर दे रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, और जब सबका साथ होगा तो एकता होगी, फिर एक है तो सेफ है। तो ये तो बहुत बड़ी ज़रूरत है हमारे देश के लिए, क्योंकि हम कब बट जाते हैं हमें पता नहीं चलता। ये बांटने वाले बड़े सयाने होते हैं साहब, ये कब हमें बांट देंगे, क्योंकि मनुष्य इमोशनल प्राणी है, वो भावनात्मक रूप से सोचता है। तो भाव, पता नहीं कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन इस शरीर को भी जब हम अंतिम क्रिया के लिए जाते हैं तो लंबा टाइम लगता है, मगर भावनाओं से जलाना एक भभक जाता है आदमी क्षण में। तो भावनाओं से जला करके हमें अलग अलग किया जाता रहा है। अब आप देखिए कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे महात्मा हैं, या फिर और भी देश में, अभी हमारे यहाँ दिल्ली में देवकीनंदन ठाकुर जी का धर्म सम्मेलन हुआ, तो ये सब लोग जो बात कर रहे हैं, पहली बार व्यासपीठ की बात को राजपीठ बड़े ध्यान से सुन रहा है। और वैसे भी हमारे देश का जो इतिहास रहा है, राजपीठ ने व्यासपीठ को हमेशा सुना है। आज ही वो समय आया जबकि कई बार राजपीठ पे बैठे हुए लोग व्यासपीठ को सुनना तो छोड़िए, मानना ही छोड़ दिया। तो आज एकता की बड़ी ज़रूरत है। हम सब लोग, मैं भी आज उसमें भाग लेने जा रहा हूँ, हमारे तुष्मुल भाई भी जा रहे हैं जी, और हम लोग काफ़ी, शुभम जी सहित बहुत लोग यहाँ से जाएंगे। देखो, एक संत महात्मा जिसके ऐसे ही पीछे इतने लोग भीड़ लगाते हैं, सुनते हैं, आते हैं, उसको भी पैरों में छाले पड़े हैं, सड़कों पे चल रहे हैं, राजनीतिक है नहीं, सिर्फ सांस्कृतिक चेतना को जगाना है, तो मैं इसको बड़ा प्रयास मानता हूँ। एक तरफ सभी जातियों को एक करने की बात हो रही है, साहब जैसे सभी लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जाति का झगड़ा हो, मंच पर संबोधित करते हैं, 6 मिनट उनका माइक बंद हो जाता है, तो कहते हैं जो आदिवासियों की, OBC की आवाज़ उठाएगा, दलितों की आवाज़ उठाएगा, उसका माइक बंद करा दिया जाता है, उसको बोलने नहीं दिया जाता। देखो, राहुल गांधी जी साजिशों के पुलिंदा है। दुनिया की जितनी भारत विरोधी साजिशें करने वाली शक्तियां हैं, वो सब इस समय राहुल गांधी जी के
साथ लग गई हैं कि हाँ तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री का अध्यादेश फाड़ने का अधिकार हमने नहीं देखा इस देश में? तो आप 10 साल शासन किए और उस 10 साल में क्या हुआ, उस 10 साल का हिसाब देना चाहिए आपको। उसी समय आप जनगणना करा लेते, उस समय आप लोगों को बता देते। जिस देश में एक एक व्यक्ति का हिसाब किताब, कौन एससी समाज से है, कौन एसटी से है, कौन जनरल से है, मतलब यहां तक कि देश का पहला गांव कौन है वहां भी प्रधानमंत्री जी पहुंच रहे, यहां तक कि छोटी से छोटी कोई ऐसी कम्युनिटी है या सांस्कृतिक रूप से सामाजिक रूप से उसको भी हम जोड़ करके ला रहे हैं और उसकी क्या कमी है उसको पूरा कर रहे हैं इस देश में। हमारा भी तो हमको मालूम है मैं क्या जाति से हूं, आप सबको पता है। अगर उस जाति के आधार पे हम रिजर्वेशन में आते हैं तो हमें रिजर्वेशन भी मिलता है, तो ऐसा तो है नहीं कि गणना हुई नहीं है। लेकिन आप एकदम से जिस प्रकार से आप इसको लेकर के घूमते हैं उसमें साजिशों की बू आती है। आप नहीं चाहते हैं कि देश के लोग एक रहें। हम जिस जाति के हैं रहेंगे, जिस धर्म के हम रहेंगे, लेकिन आपका पता नहीं क्या हो गया राहुल जी को कि वो अपनी जाति तो बताएंगे नहीं। एक दिन संसद में जब अनुराग ठाकुर ने इतना ही बोला कि कुछ लोग अपनी जाति बताते नहीं, दूसरों की पूछते रहते हैं, तो मैं ग्वालियर के मीडिया के थ्रू मैं मध्य प्रदेश और लोगों से बोलना चाहता हूं कि उस समय राहुल गांधी जी ने क्या कहा इसको याद रखा जाए। जब उनकी जाति की बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये मुझे गाली दे रहे हैं, ये मुझे गाली दे रहे हैं। अगर जाति पूछना गाली है तो फिर आप 140 करोड़ को गाली क्यों दे रहे हो? वहीं उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री की जारी यात्रा में शामिल होने के लिए भजन गाकर भी सुनाया, ये भी सुनिए। नहीं, हम तो यही कहेंगे कि बाबा की जो यात्रा है उसका मूल है कि सनातन है धर्म हमारा, सनातनी सब सच्चे हैं। सनातन है धर्म हमारा, सनातनी सब सच्चे हैं। सेवा करना कर्म हमारा, श्री राम के बच्चे हैं। शास्त्री जी के संग संग हम भी सतपथ पे चलेंगे, राम के थे राम के हैं हम राम के रहे। वहीं राहुल गांधी की जातिगत जनगणना की मांग और उनके द्वारा किए जा रहे बयानों पर मनोज तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी साजिशों का पुलिंदा हैं। दुनिया भर में जितनी भी भारत विरोधी साजिश हो रही है राहुल गांधी के सहयोग से हो रही है। इस देश में जाति के आधार पर रिजर्वेशन मिलता है लेकिन राहुल गांधी का एजेंडा साजिश भरा है। देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि जब राहुल गांधी से संसद में उनकी जाति पूछी गई तो उन्होंने संसद में कहा था कि उन्हें गाली दी जा रही है, तो ऐसे में वो जातिगत जनगणना की मांग करते हुए लोगों को भी गाली ही दे रहे हैं। वहीं संभल हिंसा और मौलाना मदनी द्वारा सीजेआई को लिखे पत्र पर मनोज तिवारी ने कहा कि संभल में न्यायालय पर अटैक हुआ है, संभल में हम सभी को मिलकर एक ही बात करनी चाहिए, मदनी जी को भी यही बात कहनी चाहिए, अगर कोर्ट जांच कर रही है तो जांच में सहयोग कीजिए। देश में लगातार मस्जिदों के सर्वे की मांग उठ रही है। इस पर उन्होंने कहा कि हमारा देश बहुत समय तक मुगलों का गुलाम रहा, अगर उस दौरान कुछ ऐसा हुआ होता जिसकी फिर से जांच करनी चाहिए तो जांच से लोग क्यों घबरा रहे हैं। वहीं मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल को चैलेंज भी दिया और कहा कि आपकी पार्टी आने वाले समय में सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएगी, लोग कहेंगे कि एक थी आम आदमी पार्टी। मनोज तिवारी ने आने वाले दिनों में दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने का दावा भी किया है, सुनिए। में आम आदमी पार्टी में जो गए हैं उनको तुरंत अरविंद केजरीवाल ने टिकट की घोषणा कर दी, उनको टिकट भी दे दिया, तो क्या आम आदमी पार्टी के नेताओं पे उनको भरोसा कम हो रहा है? ही नहीं है, टिकटों दिया तो 11 को दिया, 11 से ज्यादा कैंडिडेट ही नहीं उनके पास। ये देखिए, इसी को कहते हैं अपने कर्मों से अपनी अंतिम यात्रा लिख देना। अरविंद केजरीवाल जी ने अपने झूठ से, लूट से, भ्रम से अपना अंतिम चैप्टर लिख दिया। आप मेरी बात आज ग्वालियर में याद रखिएगा, मैं किसी के लिए बहुत हार्ड नहीं बोलता,
मगर अरविंद केजरीवाल 2025 चुनाव के बाद और पंजाब के अगले चुनाव के बाद एकाग उपचुनाव भले ही वो दबाव में जीत लें, आम आदमी पार्टी थी ऐसा कहानी में आप लोगों को लिखना पड़ेगा। एक थी आम आदमी पार्टी, बड़े करप्ट है, बड़े बुरे हैं सब, इनको बुरा शब्द भी कम है। साथ ही मनोज तिवारी ने भाजपा के विकास कार्यों की को भी गिनाया है, ये भी सुनिए। आज मैं नया एयरपोर्ट बनने के बाद पहली बार आया, हाँ नया एयरपोर्ट बन, अरे यही अंतर है ना, 14 के बाद जो यात्रा शुरू हुई है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो पहले से एयरपोर्ट थे वो और सज रहे हैं, जो एयरपोर्ट थे ही नहीं वो बन रहे हैं। आप लोगों को पता होगा हम लोगों के देश में पहले सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे, अब 153 एयरपोर्ट हो गए। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शुभम सिंह चौहान की रिपोर्ट। देखा जाए तो ये कोई पहली बार नहीं है जो मनोज तिवारी यू केजरीवाल पर बरसे हों। इसके पहले भी उन्हें कई बार दिल्ली सरकार की नीतियों और केजरीवाल का विरोध करते हुए देखा गया है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।